हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आज के ताजे मौसम समाचार में। आपको बता दें, मौसम को लेकर उत्तर प्रदेश से एक रिपोर्ट निकल कर आ रही कि यूपी में बारिश को लेकर चेतावनी जारी। जाने अगले चार दिनों तक कहां कहां गरजेंगे बादल, किन किन इलाकों में है बारिश की संभावना, वीडियो में देंगे हम आपको पूरी जानकारी। वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, एंड तक देखें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मौसम समाचार में आपको बता दें कि यूपी में आज से कई जगहों पर बादल छाने लगेंगे। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार आने वाले चार दिनों में पश्चिमी यूपी में बारिश की संभावना है। वहीं पूर्वी यूपी में आज से दो दिनों तक बारिश हो सकती है। इसे लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। इस दौरान मध्यम रफ्तार से हवाएं चलेंगी। दूसरी तरफ तापमान के बढ़ने का सिलसिला जारी है। प्रदेश में जहां अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंचने वाला है, वहीं न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। ठंड और कोहरे से राहत है। चलिए जानते हैं कि यूपी के कुछ बड़े शहरों में मौसम कैसा रहने वाला है। अगर सबसे पहले बात करें लखनऊ की, तो लखनऊ में आज अधिकतम तापमान 29 और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मौसम यहां साफ रहेगा। वायु गुणवत्ता सूचकांक संतोषजनक श्रेणी में दर्ज किया गया है। अगर बात करें वाराणसी की, तो वाराणसी में अधिकतम तापमान 27 और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। यहां भी मौसम साफ रहेगा। वायु गुणवत्ता सूचकांक संतोषजनक श्रेणी में 99 है। बात करें अगर प्रयागराज की, तो प्रयागराज में अधिकतम तापमान 28 और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आंशिक रूप से यहां बादल छाए रहेंगे। बारिश होने की संभावना है। वायु गुणवत्ता सूचकांक संतोषजनक श्रेणी में 101 रिकॉर्ड किया गया है। अगर बात करें कानपुर की, तो कानपुर में अधिकतम तापमान 27 और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। आसमान में यहां भी बादल छाए रहेंगे। तेज हवा चलेगी। वायु गुणवत्ता सूचकांक मध्यम श्रेणी में दर्ज किया गया है। अगर बात करें गोरखपुर की, तो गोरखपुर में अधिकतम तापमान 24 और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आंशिक रूप से यहां भी बादल छाए रहेंगे। तेज हवाएं चलेंगी। बारिश होने की संभावना है। वायु गुणवत्ता सूचकांक मध्यम श्रेणी में दर्ज किया गया है। अगर बात करें अयोध्या की, तो अयोध्या में अधिकतम तापमान 28 और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। यहां मौसम साफ रहेगा। वायु गुणवत्ता सूचकांक मध्यम श्रेणी में दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि आज से यहां भी कुछ जगह पर बादल छाने की संभावना है। अगर बात करें मेरठ की, तो मेरठ में अधिकतम तापमान 25 और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। यहां भी बादल छाए रहेंगे। तेज हवाएं चलेंगी। वायु गुणवत्ता सूचकांक मध्यम श्रेणी में दर्ज किया गया है। वीडियो के आखिर में अगर बात करें आगरा की, तो आगरा में अधिकतम तापमान 28 और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आसमान में यहां भी बादल छाए रहेंगे। कुछ जगह आपको बता दें कि बारिश होने की संभावना है। हवाएं तेज चलेंगी। वायु गुणवत्ता सूचकांक मध्यम श्रेणी में दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आपको बता दें कि अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश समेत आपको बता दें कई इलाकों में बारिश होने की संभावना है। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही ताजातरीन खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।